हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद रेखा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बनाने वाले हैं मैक्रोनी मसाला। मैक्रोनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होती है। आप इसे बच्चों की टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं और बिल्कुल खिली खिली मैक्रोनी बनकर रेडी होगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से हमने ये खिली खिली मैक्रोनी बनाकर रेडी की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। तो ये हमने 150 ग्राम मैक्रोनी ले ली है, जिसे कि हमने पानी में बॉयल करना है। तो पानी हमने काफ़ी सारा ले लिया है, इसमें डाल देंगे नमक। पानी को अच्छे से बॉयल होने देना है, उसके बाद ही इसमें मैक्रोनी को डालना है। ठंडे पानी में बिल्कुल ना डालें। तो ये अच्छे से पानी हमारा बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें मैक्रोनी को डाल देंगे और इसे हमने 5 से 6 मिनट के लिए बॉयल होने देना है। गैस को हाई फ्लेम पर ही रखेंगे हम। तो 5 से 6 मिनट के बाद चेक करेंगे मैक्रोनी को। पूरे 6 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए मैक्रोनी हमारी सॉफ्ट है, टूट भी नहीं रही है, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल गल नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट रहनी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है और टूटी भी नहीं है। तो मैक्रोनी बिल्कुल हमारी परफेक्ट बॉयल हो चुकी है। इसे हमने स्ट्रेन कर लिया है, पानी इसका निकाल दिया है और इसे साइड में रख लेंगे और इसके लिए मसाला तड़का रेडी करते हैं। यदि आपको लगता है आपकी मैक्रोनी बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप इसे 1-2 मिनट और बॉयल कर सकते हैं। तो हमने 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। तेल हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी मैक्रोनी खिली खिली बने। इसमें हमने 4 से 5 कलियाँ लहसुन की डाल दिया है फाइन चॉप करके, और हरी मिर्ची डाल दी है फाइन चॉप करके। तो इसके साथ साथ ही हम इसमें डाल देंगे प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को हमने फाइन चॉप करके डाल देना है इसमें। और ये ध्यान रहे, हम सारा का सारा प्रोसेस जो हाई फ्लेम पर करेंगे, मैक्रोनी को हम हाई फ्लेम पर ही बनाएंगे। 1 मिनट तक हमने इस प्याज को भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर। टमाटर का हमने जो अंदर का हिस्सा नहीं डाला है, ओनली बाहर का हिस्सा ऐड किया है। और टमाटर के साथ ही हम इसमें नमक डाल देंगे। सारी सब्ज़ियाँ हमने एक साथ ही डाल देनी है इसमें, ऐसा नहीं है कि टमाटर को हमने गलाना है। तो ये देखिए हमने नमक भी डाल दिया है, मिक्स कर लेंगे और इसमें जो बाकी वेजिटेबल्स ली है हमने, सब्ज़ियाँ ली है, वो भी ऐड कर देंगे। इसमें डाल देंगे हम शिमला मिर्च। 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च को हमने फाइन चॉप कर लिया है, और 2 मीडियम साइज़ की गाजर को फाइन चॉप कर लिया है। सब्ज़ियाँ कम या ज़्यादा आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक के लिए ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हमें सब्जियों को गलाना नहीं है। और ढक्कन तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, खुले में हमें इसे भून लेना है। तो 2 मिनट तक हमने सब्जियों को भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें ओरेगैनो डाल देंगे, और साथ में डाल देंगे बेसिल। आपके पास ओरेगैनो बेसिल नहीं है तो पिज़्ज़ा के साथ जो सैशे आता है ना सीजनिंग का, वो भी डाल सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप इसमें काली मिर्ची का पाउडर डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप के। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे मैक्रोनी। तो बस अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा मसाले भी ऐड नहीं होते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होती है ये। आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली मैक्रोनी बनी है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा टमाटो केचप और डाल देंगे हम। आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैक्रोनी को हमें 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अब एक बार फिर से भून लेना है, मतलब फ्राई कर लेना है। तो गैस की जो आंच है, फ्लेम है, वो हमारी हाई पर है, तो थोड़ा सा चलाते हुए इसे रेडी कर लेंगे। तो मैक्रोनी को हमने 2 से 3 मिनट के लिए और भून लिया है। तो ये देखिए कितनी खिली खिली सी मैक्रोनी हमारी बनकर रेडी हुई है। तो इसे सर्व करते हैं। तो इस मैक्रोनी को बनाने में टोटल 10 से 12 मिनट लगे हैं। 10 से 12 मिनट में रेडी होगी है ये। तो इंस्टेंट ब्रेकफास्ट रेसिपी है, आप इसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं।
बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुई है। आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल बटन को प्रेस करने से ही आप तक हमारी सारी वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले पहुँच पाएगी। जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।